भी अपने अपने विलेजेस में जाया करें और एंजॉय किया करें, यकीन करें इतना मजा आया। और इब्रार भाई वाला अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाड़ी हमारी बाहर आई हुई है और हम जा रहे हैं, आपको जैसे बताया था वो सरप्राइज खत्म हुआ, हम जा रहे हैं डेली रूटीन वालों के घर जा रहे हैं। तो आपने सारा देख रहे हैं, हम वहाँ पे जाएंगे, हम सारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस अब हम निकलने वाले हैं। बस अभी सुबह का टाइम है, 5 बजे का, 5 बजने वाले हैं, अभी अंधेरा है। ये रामीन है, ये इसको भी ज़बरदस्ती उठाया है और मैं खुद भी बस मैं फ्रेश व्रुश हुआ पड़ा हूँ, सिर्फ बाल बनाने हैं। तो चलिए अब हम चल निकलते हैं, बस फर्क फाइनली जाने लगे हैं। पापा आप भी जा रहे हैं हमारे साथ? चले आप भी? चलो कोई बात नहीं पापा, कुछ नहीं कहते हम, चलते हैं। चले बैठे बैठे, आ जाओ बच्चों। रामीन इधर से जाओ, मम्मा वाली साइड। ये जी अब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं। हाँ जी, आप सारे बेताब हो बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, हम एक्साइटेड हैं कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, क्या रिस्पांस होगा, कैसे होगा, सब हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं, जो जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी फरहत, आप एक्साइटेड हो? जी बहुत। सही सही। मम्मा आप तो हम ट्रैवलिंग में बिजी हैं। दोस्त अच्छा, मम्मा तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं 50 साल से जान से है ना, मम्मा 1 साल से एक साल तो हो गया देखते देखते 1 साल हो गई आप? वाह क्या बात है, हमें पता ही नहीं था मम्मा जान, नहीं पता था, मजाक कर रहा हूँ। चले खैर देखते हैं। और ये हारिस है जी, इसे बहुत ज्यादा नींद आई है, और कुछ कहना चाहें आप तो कह सकते हैं। अभी तो हम ट्रैवलिंग में हैं, हम ऐसा ऐसा जो सफ़र कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि जो जो होगा हम ए टू जेड आप लोगों के साथ शेयर भी करें, और मज़ा आ रहा है। अभी तो सुबह सुबह है, अभी जैसे जैसे टाइम और होगा फिर और ज़्यादा बेताबी होगी कि बस थोड़ा टाइम रह गया, और अभी बहुत टाइम है पहुँचने में, अभी तो स्टार्ट है सफर, अभी तो स्टार्ट हुआ। तो गाइस एक जगह पे हमने स्टॉप अभी किया है, स्टॉप करके हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह भी हैं, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ पार्क है। ये आप देख सकते हैं, ये हिरन है और ये मैं हूँ और ये फरहत है, और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। ये पार्क है, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का पार्क है। तो अभी रास्ते में तो चलते हैं अगली मंजिल की जानिब। क्या लेना? फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जहां का आपको बताया था, वहां पे हम पहुंच चुके हैं। इब्रार भाई भी हमारे साथ खड़े हैं और इब्रार भाई के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ये सिंध के कल्चर है, तो इब्रार भाई को हम पहनाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे करते हैं। तो गाइस ये था बिग सरप्राइज जो हमने आपके लिए रखा हुआ था, तो आप देख के जरूर हैरान होंगे कि हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हम जट्टों की तरह पहनेंगे ऐसे। तो अभी हमने पूरा विलेज घूमना है, इब्रार भाई ने कहा है कि आपको पूरा विलेज घुमाते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे से सारा विलेज घूमेंगे, आपको घर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह हमारे साथ। बहुत प्यारा विलेज है, कब से हमारी ख्वाहिश थी कि हमने इनसे मिलना है, तो हमें आंटी के साथ मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो अब हम इनका विलेज घूमेंगे, अब आपको दिखाते हैं कि कितना प्यारा विलेज है, ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। बिल्कुल इसी तरह है, चलते हैं आगे। चलो चलो चलो।
तो फाइनली गाइस हमने पूरा गांव घूम लिया, बहुत मज़ा आया। यकीन करें जैसी प्लेस यहां पे है ना, विलेजेस में जितना मज़ा है उतना सिटीज़ में नहीं होता। सो आप भी अपने अपने विलेजेस में जाया करें और इंजॉय किया करें, यकीन करें इतना मज़ा आया। और इब्रार भाई वालों के पास हम आए, इन्होंने बहुत इज्जत की, बहुत रिस्पेक्ट की और बहुत अच्छा लगा। इतना हमने सोचा नहीं था जितना इन्होंने हमारे साथ प्रोटोकॉल हमें दिया, बहुत इब्रार भाई अच्छा लगा। तो आप भी हमारे घर आइएगा, जरूर आएंगे। और माशाल्लाह से आप जहाँ हम खड़े हुए ना देख रहे हैं, हर तरफ पूरे के पूरे ना इस पर खाल है, खाल। एक बार आप याद हो गई, खाल पर बैठकर कपड़े धोए थे, है ना। और ये वो प्लांट वो है जिसमें हमने ना मकाई की सिट्टियाँ बुनी थी, वहाँ हमारी अपनी मकाई हुआ करती थी और हमने मुर्गियाँ भी इधर ही फ्राई की थी, मुझे याद है बिल्कुल। हारी और यही हमारा विलेज है, और हम विलेज में जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मजा है, बहुत ही प्यारा विलेज है। लेकिन ना मतलब कि ना एक व्यू बाहर का ज्यादा देने से भी मतलब एक देखना पड़ता है ना, फिर इंसान को तजुर्बा हो जाता है कि वीडियो किस हिसाब की चलती है, तो उस मुताबिक फिर हम वीडियो बनाते हैं ना, मजबूरी होती है हमारी भी ऐसा करना। नहीं नहीं आपकी वीडियो माशाल्लाह बहुत, तो इस वजह से ना थोड़ा इसका भी सीन विलेज का भी आता है और घर का ज्यादा, मतलब कि एक फैमिली बन जाती है ना, जो जो हिसाब से वीडियो देखना पसंद करती है। तो माशाल्लाह से ये मेहमान है, बहुत अच्छा लगे हम लोगों को, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें जरूर कामयाब करेगा। तो इनके चैनल का है नाम है, क्या नाम है आपकी? पार्क टाउन व्लॉग, पार्क टाउन व्लॉग, आप लोगों ने इसका विजिट करना है। हां सब्सक्राइब भी करना है इनके चैनल को, माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह ताला इनको ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबको कामयाब करे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे इंशाल्लाह। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर इंशाल्लाह। इसी तरह हम आते जाते रहा करेंगे, आप भी आइएगा इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। गाइस हमने सारा विलेज घूम लिया है, विलेज बहुत प्यारा है, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अब दोपहर का टाइम हो चुका है तो खाना बन चुका है, अब आंटी कह रही है कि घर चलें, और हम काफ़ी देर हो गई हम विलेज घूमते घूमते अब इधर आ पहुँचे। तो मैंने सोचा है कि आप सुबह से आए हुए हैं तो अभी पता नहीं नाश्ता घर से करके आए हैं या नहीं, तो अभी हमने खाना के लिए बना लिया। वैसे तो हम घर से अर्ली मॉर्निंग निकले थे लेकिन हम बहुत जल्द आंटी के घर पहुंच गए थे, तो यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। और तब से हम अब दोपहर का टाइम हो गया, हम गांव मतलब विजिट किया, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो अब हम घर जा रहे हैं, अब हम खाना वगैरह खाएंगे, वो आपके साथ खाना भी आपके साथ शेयर करेंगे। पेट तो वैसे फुल हुआ बड़ा, क्योंकि आंटी वालों ने आते ही हमें इतना सारा फ्रूट खिला दिया, चाय पिलाई और फाल से और वो आलू बुखारे के कोल्ड ड्रिंक, मतलब काफी कुछ था। पेट वैसे फुल हुआ बड़ा, लेकिन वो आंटी वालों का प्यार मोहब्बत है हमारे साथ कि वो कह रहे हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि किसी का मतलब इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो चलते हैं अब हम इंशाल्लाह। जी अब हम घर चलते हैं और खाना खाते हैं। खाने को बहुत ज्यादा मजा आया आंटी के साथ, और इतना अच्छा टेस्टी खाना था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें। और आंटी के साथ बैठ के मिल के खाने का हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। सुबह से हम लोग आंटी के गांव में मतलब हमने विज़िट किया, घूमे, कितना इंजॉय किया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन दो दिन के लिए जाने नहीं देंगे, ये हमारे पास ही रहेंगे। नहीं बाहर गर्मी बहुत थी लेकिन यहाँ पे इनका घर इतना प्यारा, इतना अच्छा है कि यहाँ पे बैठ के इतना सुकून मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बैठे इतना एरी घर है इनका, बहुत कम्फर्टेबल रूम है इनका, बहुत मज़ा आ रहा है।